नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मम दिनचर्या। मम दिनचर्या संस्कृत में काफ़ी बार आता है, 10th क्लास में ये निबंध कई बार पूछा गया है और ये निबंध बच्चों को आना भी चाहिए। और मम दिनचर्या तो ऐसा मेरा डेली रूटीन की बात हो रही है, तो आप संस्कृत में वैसे भी अगर याद भी नहीं करते तो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं लिख पाते, क्योंकि संस्कृत का हमें थोड़ा कम नॉलेज होता है इसलिए। तो आज मैं आपको मम दिनचर्या पर निबंध बताऊंगा, इसमें आपको इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा ताकि आप उसको हिंदी में समझ पाएँ, ताकि आपको जब भूल भी जाएँ पेपर में तो आप आसानी से लिख सकूँ। तो इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूँ, इसके पहले आपको बता दूँ मेरे चैनल को आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और आई बटन में आप चेक कर सकते हैं और भी वीडियोज़ डले हुए हैं निबंध के, एप्लीकेशन के, ग्रामर के, तो आप वो सब चेक कर सकते हैं। संस्कृत से रिलेटेड, मैथ्स से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड, सोशल से रिलेटेड, हर तरह का आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए आप शुरू करते हैं मम दिनचर्या। मेरी दिनचर्या मतलब मेरी डेली रूटीन जो है वो, प्रत्येक मानवस्य दिनचर्या पृथकम भवति। प्रत्येक मानव, प्रत्येक व्यक्ति की जो दिनचर्या होती है वो अलग अलग होती है, बिल्कुल सत्य है। अहम एका छात्र अस्मि, मैं एक छात्र हूँ। अहम दसवम कक्षायाम पठामि, मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ। अहम प्रतिदिनम प्रातः, मैं प्रतिदिन सुबह 5:30 उठतिष्यामि, मतलब मैं 5:30 प्रातः उठ जाता हूँ। अहम चायस एकम चस्कम पिवामि, और मैं चाय की चुस्कियाँ पीता हूँ, चाय पीता हूँ, चाय का एक चस्कम पीता हूँ। अहम स्वमित्र, मेरा खुद का मित्र केशव चंद्रेण, केशव चंद्र है, सह ब्राह्मणा गच्छामि, मैं अपने खुद के मित्र केशव चंद्र के साथ घूमने जाता हूँ। ब्राह्मणांतरस्य अहम स्नानम करूँगी, ब्राह्मण करने के बाद मैं स्नान करता हूँ, नहाता हूँ। स्नानत्वा स्वाल्पाहारम करोति, स्नानत्वा स्वाल्पाहारम करोति, स्नान करने के बाद मैं नाश्ता करता हूँ। 8:00 विद्यालयम गच्छामि, 8:00 विद्यालय जाता हूँ। विद्यालय प्रार्थना घंटिका भवति, सर्वे छात्र सह प्रार्थना कृत्वा स्वकक्षां प्रत्यगच्छामि, अध्ययनं करोमि च। विद्यालय जैसे ही घंटा बजता है, घंटी बजती है, वैसे ही वहाँ पर प्रार्थना चालू हो जाती है। प्रार्थना होने के बाद सभी स्टूडेंट अपनी कक्षा में जाते हैं और वहाँ पर अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं। विद्यालय एक है अर्ध अवकाश मित्रेण सह भोजनम करामि, मतलब विद्यार्थी जब अवकाश होता है, अर्ध अवकाश मिडिल टर्म, जब बीच में लंच टाइम होता है, तो वहाँ पर मैं अपने मित्र के साथ भोजन करता हूँ। सायं 4:00 अवकाश से जाते स्वगृह, सुबह शाम को 4:00 छुट्टी होने पर मैं अपने घर जाता हूँ। आगच्छामि विश्रामा कृत्वा पाठशालाया गृह कार्यम करोति, वहाँ से आने पर मैं थोड़ा विश्राम करता हूँ, आराम करता हूँ, और इसके बाद फिर मैं अपना गृह कार्य होमवर्क करता हूँ। सायंकाले मित्र है सह क्रीणामि तदनंतरम अयम अधीय पठिना पुनः अभ्यास करूँगी, शाम को मैं दोस्तों के साथ खेलता हूँ और खेलने के बाद फिर से मैं वही अपनी पढ़ाई करता हूँ और रिवाइज करता हूँ, अभ्यास करता हूँ। अयम भोजनम कृत्वा दूरदर्शनम पश्यामि, भोजन करने के बाद मैं टीवी देखता हूँ, दूरदर्शन देखता हूँ। 10:00 शयनम गच्छामि, 10:00 मैं सोने चला जाता हूँ। ऐसा भवति मम दिनचर्या, ऐसी मेरी दिनचर्या होती है। तो इसी के तरीके से आपका मम दिनचर्या का जो निबंध था वो मैंने आपको बता दिया है, तो आपको पसंद भी आ गया होगा, इवन आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस, अगर आपको समझ में आया है तो मुझे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जहाँ जहाँ पर भी लोग संस्कृत के टीचर नहीं वहाँ तक ये वीडियो भिजा दीजिए, ताकि लोग बच्चे देख पाएँ और वो अपनी परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आ पाएँ। तो इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।